नमस्कार दोस्तों ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है दोस्तों चुनाव के बाद टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल में जिस तरह से बीजेपी को बहुमत आने की खबरें आई हैं उसके बाद विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद के वरिष्ठ मुफ्ती महमूद हसन बुलंदेहरी ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो तेईस मई को अनुकूल परिणामों के लिए सामूहिक दुआएं करें यानी सब मिलकर दुआ करें दरअसल दोस्तों रविवार रात को एग्जिट पोल में जिस तरह से संभावित परिणामों में दिखाया गया की बीजेपी आ सकती है इन भविष्यवाणियों से नाखुश होकर मुफ्ती महमूद हसन बुलंदेरी ने कहा कि मौजूदा हालात में यह बहुत जरूरी है कि देश भर में अमनो अमन के लिए साथ ही मुसलमानों मस्जिदों और मदरसों की सुरक्षा के लिए सभी शिद्दत ऐसी दुआ करें मुफ्ती का कहना था की कि किसी को भी यह पता नहीं की कि किसकी दुआ कबूल हो जाए उनका कहना था की जब तक नतीजों का ऐलान नहीं हो जाता मैं सभी मस्जिदों में तरावी की नमाज के बाद अनुकूल परिणामों के लिए सामूहिक दुआ का आयोजन करने की अपील करता हूं। ये दुआ नतीजों से तीन दिन पहले शुरू हो होनी चाहिए यानी लगातार इन दुआओं का दौर तीन दिन चलना चाहिए इस बीच देवबंद के मौलवियों ने इस अपील का स्वागत किया है उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि हम इस पर अमल करने का फैसला करते हैं देवबंद के मौलाना इशाक का कहना है कि हम इस अपील का स्वागत करते हैं और सभी मुसलमानों को इस पर अमल करना चाहिए और उनका कहना था की हम सब चुनाव नतीजों को लेकर परेशान है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें